दोस्तों, कौन नहीं चाहेगा कि हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप एक लंबे समय तक चले, एक लंबे समय तक अच्छा स्पीड और परफॉर्मेंस बना रहे, हमारा कंप्यूटर एकदम सेफ एंड सिक्योर रहे। तो आज मैं आपको कंप्यूटर सेफ्टी के कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिनसे आप अपने कंप्यूटर को काफी लंबे समय तक यूज कर सकेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, आप जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उस कंप्यूटर में यूपीएस का कनेक्शन मिलना जरूरी है। अगर आप यूपीएस नहीं यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, आपके घर में या ऑफिस में इन्वर्टर होना चाहिए। इन्वर्टर का कनेक्शन से ही आप कंप्यूटर को यूज करें ताकि कंप्यूटर डायरेक्ट ऑफ ना हो, क्योंकि अगर कंप्यूटर डायरेक्ट ऑफ होता है तो कंप्यूटर में कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जैसे कंप्यूटर का विंडोज करप्ट होने का डर रहता है, कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव लगे होते हैं वो हार्ड ड्राइव क्रैश होने का डर रहता है। कई बार अगर आप डायरेक्ट यूज करते हैं तो SMPS या मदरबोर्ड भी खराब होने का डर रहता है। तो कोशिश करें आप कंप्यूटर जब भी यूज करें UPS का कनेक्शन आपके कंप्यूटर में हो, या UPS नहीं है तो आप इन्वर्टर कनेक्शन का यूज करके भी सिस्टम को यूज कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, जब भी आप अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा पार्टीशन बने होने चाहिए, केवल सी ड्राइव का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर में कुछ मालवेयर आ जाने की वजह से कंप्यूटर का सी ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में एक ही ड्राइव है तो अगर आपके कंप्यूटर में फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ा तो जो भी डेटा होता है वो पूरी तरह से फॉर्मेट हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव के अलावा भी पार्टीशन हो जिसमें आप डेटा स्टोर कर सके। अगला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम जब भी नया कंप्यूटर परचेस करते हैं तो हम अपने कंप्यूटर को काफी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, चाहे वो प्लास्टिक लगा करके रखे या थर्माकोल में रखे या कोई कपड़ा का कवर वगैरह चढ़ा करके रखे। तो ये मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करना। आप ध्यान रखें कि आप कभी भी अपने CPU को कवर ना करें, चाहे वो प्लास्टिक से हो, कोई भी कपड़ा या क्लोथ वगैरह से हो, या थर्माकोल वगैरह से। तो कवर कभी भी ना करें, और CPU को, जो कंप्यूटर आपका सेट होता है, उसको आप एक टेबल पे रखें, कोई भी मेटल सरफेस में CPU को ना रखें। इससे कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ सकता है। कई बार इसके वजह से कीबोर्ड और माउस प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो इसका आप ध्यान रखें। अगला टिप ये है कि आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस जरूर रखें। बिना एंटीवायरस आप अपने कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। कई बार मालवेयर वगैरह आते हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट वगैरह यूज करेंगे तो वायरस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर या जो डेटा है वो क्रैश कर सकता है, कंप्यूटर आपका हैक भी हो सकता है। तो कोशिश करें आप अपने कंप्यूटर में एक कोई भी बजट में एंटीवायरस जरूर यूज करें, पैड एंटीवायरस। अगला जो टिप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कंप्यूटर में पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है तो ध्यान रखें आपके विंडोज का अपडेटर ऑप्शन ऑफ हो। अगर आप जेन्युइन विंडोज यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप पायरेटेड विंडो का यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखें विंडोज का अपडेटर ऑफ रखें। विंडोज का अपडेटर ऑफ करने के लिए हमने ये वीडियो बना रखा है। इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और कोशिश करें कि अगर आपके बजट में हो तो एक जेन्युइन विंडोज का ही यूज करें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मल्टीटास्किंग हम अपने कंप्यूटर में करते हैं तो हमारा कंप्यूटर हैंग कर जाता है, माउस और कीबोर्ड प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो उस केस में आप कंप्यूटर को कभी भी डायरेक्ट ऑफ ना करें। डायरेक्ट ऑफ करने से ज्यादा चांसेस है कि आपका विंडोज क्रैश कर जाए। अगर आपका कंप्यूटर हैंग कर जाता है तो आप अपने कीबोर्ड में अल्ट कंट्रोल डिलीट बटन प्रेस करें, यहां से आप अपने कंप्यूटर को लॉग आउट करके रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को कभी भी डायरेक्ट ऑफ ना करें। अगला जो टिप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि सी ड्राइव में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंस्टॉल होता है उसमें बहुत सारे फोल्डर और फाइल होते हैं। उस फाइल के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ ना करें, कोई भी फाइल डिलीट ना करें। ऐसे ये फाइल डिलीट या फॉर्मेट होता भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हो जाते हैं। तो गलती से भी इस फाइल के साथ छेड़छाड़ ना करें। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह का होता है। अगर आप इससे छेड़छाड़ करते हैं, डिलीट करते हैं या कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो चांसेस है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो सकता है। तो सी ड्राइव में किसी भी फाइल या फोल्डर के साथ आप छेड़छाड़ बिल्कुल भी ना करें। आपके कंप्यूटर में जो मेन डेटा होता है, जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है, वो कभी भी आप सी ड्राइव में ना रख के सी ड्राइव के अलावा जो डी ई एफ ड्राइव होते हैं उसमें आप स्टोर करें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम के वजह से, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह या एरर वगैरह मालवेयर लगने के वजह से या विंडोज क्रैश कर जाने के वजह से सी ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ता है कई बार नए ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए। अगर आपका डेटा सी ड्राइव में है तो बैकअप बनाना बहुत मुश्किल होता है, और जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है वो सी ड्राइव छोड़ करके दूसरे ड्राइव में आप स्टोर कर सकते हैं, तो आपका डेटा सेफ रहेगा। कई बार हमें कुछ एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते हैं अपने कंप्यूटर में यूज करने के लिए, तो कोशिश करें जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं
वो एक ऑथेंटिक वेबसाइट से डाउनलोड करें। अगर आप कोई क्रैक सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं तो अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस जरूर रखें, ताकि आपका कंप्यूटर सेफ रखे। कोई भी मालवेयर अगर उस वेबसाइट से आ रहा है तो आपका एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सके। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर में कभी साउंड ड्राइवर, ब्लूटूथ ड्राइवर, ग्राफिक्स ड्राइवर, लैन ड्राइवर या बहुत सारे ड्राइवर होते हैं, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। वाईफाई ड्राइवर वगैरह भी कई बार काम नहीं करता। तो उस केस में आप अपने कंप्यूटर का ड्राइवर अपडेट कर सकते हैं। ड्राइवर अपडेट करने के लिए आप इस वेबसाइट में जाकर के ड्राइवर अपडेट कर सकते हैं। ऐसे ड्राइवर अपडेट करने से रिलेटेड हमने एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला जो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इस तरह के मिस्टेक्स करते हैं, कभी भी आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन को कुलीन से या पानी वगैरह से डायरेक्ट कभी भी साफ ना करें। इससे आपके मॉनिटर में डैमेज आ सकता है, धब्बे पड़ सकते हैं, स्क्रीन खराब हो सकता है। तो कभी भी पानी से या कोलिन वगैरह से स्क्रीन को साफ ना करें। अगर थोड़ा बहुत डस्ट साफ करना है तो आप सूखे कपड़े से साफ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने कंप्यूटर को यूज करते हैं, 3-4 महीने 6 महीने हो जाते हैं, तो हमारा कंप्यूटर धीरे धीरे स्लो होने लगता है। ये बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। तो ध्यान रखें, आपके जो सी ड्राइव होता है, सी ड्राइव को खाली रखने की कोशिश करें। सी ड्राइव में या डेस्कटॉप में, डाउनलोड में, म्यूजिक में, वीडियो में ज़्यादा डेटा ना रखें। सी ड्राइव जितना खाली रहेगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो सी ड्राइव को आप खाली रखने की कोशिश करें, ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो ना हो, आपका कंप्यूटर एक बेटर परफॉर्मेंस देता रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी टिप्स आपके बहुत काम आएंगे और आपका कंप्यूटर काफ़ी लंबे समय तक चल सकेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।